हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेजिन का यूज़ कैसे करना है वो करके दिखाया था, बट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था, इसलिए ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। और मैंने आपको रेजिन का रेशो भी बताया था कैसे लेना है, तो मैं आपको एक बार फिर से वो करके दिखाऊँगा जो 3:1 के कैलकुलेशन में होता है। और आज हम इस बुद्धा की पेंटिंग में रेजिन वर्क करने वाले हैं। ये पिछले कैनवस से बड़ा है, ये देखिए, मैं ये छोटे वाले डिस्पोजल ग्लास पे लेने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसमें रेजिन डालेंगे। एंड हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, ये हमको एक प्लास्टिक की शीट रखनी है जहाँ पे भी हम वर्क करेंगे, क्योंकि ये टपक जाता है, गिर जाता है। और हमको ये एक फ्लैट टेबल चाहिए ताकि हमारा जो लेवल होना चाहिए, बेस जहाँ पे हम कैनवस को रखने वाले हैं, वो बहुत ही फ्लैट होना चाहिए, जिससे हमारा रेजिन इक्वली सब तरफ स्प्रेड हो सके। ओके, तो आप ऐसे सबसे पहले तो शीट को उसके नीचे रख दीजिए, अगर गलती से भी वो गिरेगा तो आपका स्पेस ख़राब नहीं होगा। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप नीचे एक हाइट के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं ये टेप रखूँगा यहाँ पे, आप कोई भी फ्लैट चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस तरह से। और प्लीज़ आसपास का एरिया जिस रूम में आप करने वाले हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप फ़ैन ऑन करते हैं इसको ड्राई करने के लिए तो ये गंदा भी हो सकता है, उसका धूल उड़ के चिपक जाता है रेजिन में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको टेप लगा लेंगे साइड में ताकि ये फ्लो ना हो। मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूँ, हमको सारे एजेस पे टेप लगाने हैं। और ये जो मैंने टेप लगा दिया है, और मैं पीछे बैक साइड भी कवर करूँगा, क्योंकि वो ये जो जितना एरिया लगा है ना वो यहाँ से भी फ्लो हो जाता है। तो आप इसको भी सील कर दीजिए ताकि आपका रेजिन वेस्ट ना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बहुत सारा रेजिन मेरा वेस्ट हुआ था, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो ये देखिए मैं एक डबल टेप फिर से लगा रहा हूँ उसके पीछे, तो आपको भी ऐसे ही लगाना है। तो गाइज़ मैं बता दूँ रेजिन हम क्यों लगाते हैं। रेजिन लगाने से हमारा आर्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा, पहले तो सेफ हो जाता है ये, ठीक है, दूसरी कि इसमें कलर एनहेंस होके आता है बहुत ज़्यादा अच्छे से, और थर्ड पॉइंट ये है कि इसका लुक अलग ही एक लेवल का दिखता है, एक प्रोफेशनल लेवल का दिखता है, यू नो, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी टच आ जाता है इसमें। यू नो, बरसात की वजह से अभी इसमें बहुत ज़्यादा फंगस टाइप लगने लग हो गए थे पूरे कैनवस के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर कुछ कुछ जगह पे। तो अभी मेरी पेंटिंग सेफ रहेगी इसके बाद, मैंने उसको क्लीन कर लिया है। तो अभी हम चलो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टेप अच्छे से लगा लिया है सब तरफ, तो आपको भी ऐसे ही लगाना है। मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाऊंगा, इससे हमारा रेजिन भी चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड होगा और वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं फ्यूचर में वीडियो भी बनाऊंगा कि मैं इसको फ्रेम कैसे करता हूँ, मैं वो सब कुछ वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, हो सके तो करके भी दिखाऊँगा उसमें, ठीक है। तो कैनवास बोर्ड को फ्रेम कैसे करना है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। गाइस, अगर रेजिन डालते वक्त आप उसमें बबल्स देख रहे हैं आ रहा है, तो आप उसको लाइटर के थ्रू गर्म करके उसके पास में ले जाना, उसको जलाना, तो वो उड़ जाएगा, तो आप ऐसे उसको ठीक कर सकते हो। वैसे इस रेजिन में ज़्यादा बबल्स नहीं आए थे, एक दो ही आए थे, मैंने नहीं किया था उसको, इसलिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके भी नहीं दिखाया। अगर आपके करते हुए ऐसा हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसके पास में लाइटर जलाना, उसको गर्म करना, वो उड़ जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं टेप लग चुका है, ये देखिए साइड से कैसे निकला हुआ है आधा, अब ये ओवरफ्लो नहीं होगा, ये दिख रहा है, ये देखो मैंने चारों तरफ बहुत अच्छे से लगाया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका कैनवास नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब बारी है रेजिन को मिक्स करने की। ये रहा हमारा हार्डनर छोटे डब्बे वाला, और ये बड़े बॉक्स में है हमारा रेजिन, और हम आज इस डिस्पोजल ग्लास में मिक्स करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा रेजिन नहीं लूँगा, बहुत ही लिमिटेड लूँगा इस बार, क्योंकि कैनवास बड़ा है तो मुझे रेजिन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट मैं लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मैं रेजिन डाल रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से डालना। अभी 3:4 का रेशियो है, तो मैं कप को ऑलमोस्ट भर दूँगा। ये देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसमें हार्डनर मिलाने से ये थोड़ा सा पतला होने लगेगा इसकी कंसिस्टेंसी। तो मैं ये कोई एकदम मेजर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने अंदाज से कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी भी चीज़ से मेजर करके 3 बार उसको फुल करके आप ले लीजिए, किसी बड़े बॉक्स में डाल दीजिए, उसके बाद उसी में ही 1 कप हार्डनर लेके, तो इसे 3:1 एकदम एक्यूरेट बन जाएगा। बट यहाँ पे मैं, ये देखिए मैंने इसको ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा फुल किया है,
अभी मैं हार्डनर लूँगा, इसमें आपको कुछ बबल्स दिखेंगे अभी, लेकिन वो मिक्स करते हुए सारे बबल्स उड़ जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जितना मैंने लिया आप इसे थोड़ा सा और ज़्यादा लेना, क्योंकि मैंने बाद में थोड़ा सा और ऐड किया था, मैंने वो वीडियो में शो नहीं किया है, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने और लिया था थोड़ा सा। तो ये इतना एक्यूरेट है, मैंने हाफ से ज़्यादा रेजिन लिया है, तो आप जितना एरिया बचा है, जितना कप एम्प्टी है, आप उसको हार्डनर से फुल कर दीजिए, और फिर प्लास्टिक की किसी भी चीज़ से आप उसको कंटिन्यू 10 मिनट तक मिलाना ही है। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट करके छोड़ दिया। ये देखिए अभी कैसे दिख रहा है, बिल्कुल भी ये मिक्स नहीं हुआ है, ये मिक्स होने के बाद बिल्कुल यू नो पानी जैसा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसको बिना रुके आपको कंटिन्यूसली मिलाते जाना है 10 मिनट तक। वो आइसक्रीम की स्टिक आती है ना, आप उससे भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये पेंट ब्रश जो है मैं उसके बैक साइड से कर रहा हूँ। ये देखो मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है? ओके, तो अब बारी है रेजिन अप्लाई करने की। आप चारों तरफ अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए। मैंने उसको टेबल पे सेट कर दिया है, उसके बाद ही मैं इसको डाल रहा हूँ। और इस बार रेजिन का मोटा लेयर नहीं बनेगा जैसे मैंने पिछले कैनवास पे किया था, मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया था उस कैनवास के हिसाब से, और रेजिन भी बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ये देखो जैसे कि कुछ एरिया में स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो आप इसके थ्रू आप इसको फैला सकते हो अच्छे से। ये बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, इजी है। अगर आप कैनवास में वर्क करते हैं और आपको अपना आर्ट वर्क और ज़्यादा एनहेंस करना है, सेफ़ रखना है, तो आप रेजिन का अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था, ये अप्रॉक्स 600 मुझे पड़ा था, 250 ग्राम का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आपने यूज़ करने का तरीका भी देख लिया है, बहुत ही सिंपल है। पहले कैनवास को अच्छे से साफ़ कर लो, साइड में टेप लगा लो, बैक साइड उसको अच्छे से सील कर लो टेप को, एंड देन रेजिन को मिक्स करना है 3:1 के। आपको रेजिन ज़्यादा लेना है और हार्डनर थोड़ा कम लेना है। 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कैनवास के ऊपर लेयर पे आपको स्प्रेड कर देना है सब तरफ से, अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं पे छूट तो नहीं गया है, ठीक है। फिर कम से कम इसको 12 घंटे आप फैन के नीचे रख दीजिए, आराम से ड्राई हो जाएगा। एंड प्लीज़ चेक करना कहीं उसके ऊपर कोई चीज़ गिर ना जाए, क्योंकि वो चिपक जाता है फिर निकलता नहीं है। ये देखिए सेट हो गया है, अभी इसको ड्राई होने के बाद देखेंगे हम, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखो कितना अच्छा और ग्लॉसी लुक आ गया है, तो आप भी अपने वर्क को ऐसे बना सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा।